क्षेत्र के पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह माने जाने वाले मुरारी लाल अग्रवाल का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार 19 नवंबर को निधन हो गया था। जी हां, आज दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार मुरारी लाल अग्रवाल को गोरेला प्रेस क्लब के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। गोरेला प्रेस क्लब अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने कहा कि अग्रवाल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि 80 वर्ष की उम्र में पैरालिसिस होने के बाद भी खबरों के प्रति हमेशा सजग रहते थे। बिलासपुर क्षेत्र में पत्रकारिता जगत में उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। श्रद्धांजलि के पश्चात 2 मिनट का मौन धारण किया गया। अग्रवाल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्र हुए हैं। मैं कहूंगा उनके जाने से जो रिक्तता है, शून्यता है, वो शायद भर न पाए जल्दी। काफी गहरा आघात है उनके जाने से, मर्माहत है। और क्षेत्र के पत्रकारिता में मैं समझता हूँ वो युग पुरुष थे जिनका अंत हो गया है। पत्रकारिता के जो अल्पकाल में हम लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उसमें उनके अंदर जो समाचार को लेकर के जो जीवटता थी, जुनून था, कि जवानी में के दौर में वो जिस स्तर पे पत्रकारिता किए होंगे वो हर किसी के अंदर वो जुनून रहता है, कर सकते हैं। लेकिन जीवटता का असली उदाहरण और सही मायने में सारे पत्रकारों के लिए वो आदर्श का कारण बनेगा कि 80 की उम्र में भी समाचार की भूख उनकी खत्म नहीं हुई थी। और चाहे वो रात हो, दोपहर हो, ठंड हो, बारिश का दिन हो, किसी भी समय अगर खबर मिल रही है कि कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई खबर है जो एक्सक्लूसिव है, उसके लिए माननीय मुरारी लाल अग्रवाल जी हमेशा तत्पर रहते थे। और सबसे बड़ी दुखद बात और आश्चर्य वाली बात और उनकी जीवटता की जो अपन यहाँ उल्लेख करना आवश्यक समझ रहे हैं वो ये कि 80 के दशक में वृद्धावस्था में भी वो पत्रकारिता में जो दौड़ धूप कर रहे थे वो उतना ज़्यादा तारीफ के काबिल तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ इस बात की है कि लकवाग्रस्त होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और उस दौर में भी, उस स्थिति में भी वो पत्रकारिता के लिए आखिरी दम तक संघर्षरत रहे। क्षेत्र के विकास के लिए भी कोई भी क्षेत्रीय समस्या हो, पेंडा रोड के हितों से वो कभी समझौता नहीं किए। और पेंडा रोड के हित में चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, जिले का मामला हो, आप हर चीज में वो बोलवासरी का मामला हो, हर चीज का वो जनहित में विरोध किए। और जो भी चीज क्षेत्र की भलाई के लिए था उसमें हमेशा तत्पर रहते थे। और ऐसे महान पत्रकार जिनका सानिध्य हमें हमसे अब जुदा हो चुका है, मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।